नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस YouTube सेशन में। आज के सेशन में मैं बात करने वाली हूँ डिटॉक्सिफिकेशन की, मतलब शरीर की अंदरूनी सफाई की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो भगवान हमें एक प्योर और क्लीन बॉडी देके भेजता है, लेकिन हम अपने खाने पीने की आदतों से, भोजन के गलत तरीकों से और अपने जो पोल्यूशन और सराउंडिंग एनवायरनमेंट की वजह से हम अपने शरीर को गंदा कर लेते हैं। तो शरीर के अंदर जमा गंदगी को अगर हमने नहीं निकाला तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि ऐसे कौन से नेचुरल वेज हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, जब अपने शरीर में पड़ी जमा गंदगी को निकाल सकते हैं और अपने शरीर को निरोग कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अभी तक न्यूट्रिशन के ऊपर बोल चुकी हूँ कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन का 80% रोल है हमारी हेल्थ को अच्छा बनाने में, डिजीज़ फ्री बॉडी बनाने में। और उस न्यूट्रिशन को, उस फूड को जो हमने अपनी बॉडी में कंज्यूम किया है, उसकी वजह से जो रेजिड्यूज़ पैदा होते हैं, जो गार्बेज अगर पैदा होता है, अगर वो ढंग से आपकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट आउट नहीं होगा तो बॉडी के अंदर गंदगी जमा हो जाएगी। और उस गंदगी को निकालने के लिए हमें एक बैलेंस्ड डाइट लेनी पड़ेगी। अब कौन कौन से ऐसे चार तरीके हैं जिससे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं? सबसे पहला जो तरीका है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सबसे पहला और बहुत ही प्रभावी जो तरीका है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर हम फल खाते हैं तो वो हमारे सिस्टम में 3 से 4 घंटे रह के और डाइजेस्ट हो जाते हैं। अगर हम सब्जियां खाते हैं तो 7 से 8 घंटे का टाइम लेते हैं। लेकिन अगर हम ग्रेन्स या अनाज खाते हैं तो, और नॉनवेज अगर हम खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में 15-16 घंटे हमारे शरीर में लगते हैं। तो इसलिए हमें अगर अपनी बॉडी से रिपेयर करवाना है, बॉडी सेल्स को रिपेयर भी करना है और अपने भोजन से पोषण भी लेना है, तो हमें एक ईटिंग विंडो सेट करनी पड़ती है। और उस ईटिंग विंडो का जो फ़ायदा है वो ये है कि उस वजह से क्या होगा कि 7-8 घंटे में हमारी डाइजेस्टिव साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और अगले से 7 से 8 घंटे में बॉडी जो है वो अपना रिपेयर वर्क कर लेगी। तो हमारे यहाँ तो, क्योंकि भारत में तो ये बहुत पुराने वक्त से ये पद्धति फॉलो की जा रही थी। हम हर धर्म में कभी किसी, हम हर धर्म के अनुरूप किसी न किसी तरह के फास्ट को फॉलो करते हैं। और जैसे अगर आप मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं तो उसमें रोज़ा रखा जाता है, हिंदुओं में नवरात्रे रखे जाते हैं, और भी एकादशी का व्रत है, और भी तरह तरह के व्रत हैं जो हमारे धर्म के अनुरूप आते रहते हैं और वो हम लोग करते रहते हैं। तो ये जो व्रत थे इनको जो नई जनरेशन है उसने डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि हमें धर्म के नाम पर डरा के किया जाता था कि ये व्रत रख लो ये मिल जाएगा, वो व्रत रख लो ये वो मिल जाएगा। मतलब मन्नतें मांगने के पॉइंट ऑफ व्यू से व्रत प्रथा को इंट्रोड्यूस किया गया नई जनरेशन के दिमाग में। लेकिन अगर इसको साइंटिफिक तरीके से अगर समझा जाए तो व्रत जो रखना है वो हमारी शरीर को हीलिंग का काम करता है। हीलिंग कैसे करता है? हीलिंग ऐसे करता है कि अब जो मॉडर्न रिसर्च हुई है व्रत के ऊपर या फास्टिंग के ऊपर, वो ये हुई है कि जो व्रत है उसकी वजह से एक स्पेशल प्रोसेस जो उन्होंने नई टर्मिनोलॉजी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अब एक नई टर्मिनोलॉजी इसके लिए ईजाद की है, वो टर्मिनोलॉजी है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी में क्या होता है? ऑटो मतलब सेल्फ, फेजी मतलब ईट करना। तो जो बॉडी को हम टाइम देते हैं 16 घंटे का रिपेयर और हील करने का फास्टिंग करके, उससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी डेड सेल्स जनरेट हो गए हैं, डीजनरेटिव सेल्स जनरेट हो गए हैं, तो उन डीजनरेटिव सेल्स को बॉडी क्लीन करती है उस टाइम पे, ईट कर लेती है, ऑटो ईट करती है, ऑटो क्लीन करती है, ऑटो डिस्ट्रॉय करती है।
तो वो ऑटोफेजी है, जो कि हम अपने भाषा में जिसको हम उपवास बोलते हैं। तो इसलिए उपवास हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। उपवास को अब मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से बोला जाता है, और यह बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने डाइट चार्ट के टाइम पे भी आपको बोला था कि अगर आप डिनर है वो 6 से 7 बजे के आसपास करते हैं, तो आपको अपना जो भोजन है, नेक्स्ट जो मील है, वो सुबह 10 बजे से पहले नहीं लेना है। और अगर आप शाम को लेट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आपको सुबह का जो टाइम है, अपना पहला जो मील लेने का टाइम है, वो आपको एक्सटेंड कर देना है। जैसे अगर आप 9 बजे अगर डिनर कर रहे हैं, तो आपको फिर 1 बजे तक कुछ भी सॉलिड नहीं लेना है, तो सॉलिड को अवॉइड करना है। इसी हिसाब से आप अपनी विंडो को स्लाइड करते रहिए, तो उससे आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो भी फ़ायदे हैं वो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। तो ये था इंटरमिटेंट फास्टिंग, फर्स्ट तरीका जिससे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है बॉडी को डिटॉक्स करने का है, वो है एंटी ऑक्सीडेंट रिच फूड आइटम लेना। तो एंटी ऑक्सीडेंट रिच फूड आइटम, ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? ऑक्सीडेंट्स बेसिकली ये कुछ फ्री रेडिकल होते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो खाना को हजम करने के लिए डाइजेशन की एक प्रोसेस चलती है। तो हमारे यहाँ बॉडी के अंदर बहुत सारी सेलुलर प्रोसेसेस चलती रहती हैं, तो उन सेलुलर प्रोसेसेस के टाइम पे कुछ फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, NO2 होता है, लेकिन डाइजेशन के टाइम जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसमें से एक ऑक्सीजन एलिमेंट है वो फ्री हो जाता है, और वो NO2 से NO में कन्वर्ट हो जाता है, और वो हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट नहीं हो पाता, बिकॉज क्योंकि वो फ्री रेडिकल है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन उसका नहीं हो पा रहा है। तो जब हम एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है, ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है, और एक एडिशनल जो एटम जो फ्री हो गया था NO2 में से, उसको एक एडिशनल ऑक्सीजन एटम मिल जाएगा, और वो बाइंड करके NO2 में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, और वो हमारी बॉडी से निकल जाएगा। तो इस तरह से हम जो फ्री रेडिकल, ये तो एक ही एग्जांपल था, ऐसे बहुत सारे फ्री रेडिकल हमारी बॉडी के अंदर घूमते रहते हैं, और ये फ्री रेडिकल जो होते हैं हमारे शरीर में एसिडिटी को, एसिडिक लेवल को बढ़ाते हैं। और इसके लिए फिर हमें ऐसे फूड आइटम लेने हैं कि जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाएं और एसिडिटी को मिनिमाइज़ करें। तो उसमें मैंने अपने डाइट चार्ट में आपको बताया था कि आपको बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट जूसेस, जैसे ग्रीन जूस ले सकते हो। एक मैंने जूस आप लोगों को बताया था जो कि आप बीट रूट को मिला लो, गाजर को मिला लो, और एप्पल डाल लो, उसमें एक नींबू डाल लो, थोड़ा सा अदरक डाल लो, उसको ग्राइंड करके और उसका एक जूस बना लो, वो आप जूस ले सकते हो। और उसमें थोड़े पम्पकिन, मेलन और चिया सीड और ये सारे सीड्स डाल के उसको गार्निश करके वो जो स्मूदी टाइप एक बनेगा उसको आप पी सकते हैं। तो वो आपकी बॉडी को एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करेगा। उसी तरह से क्लोरोफिल रिच लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनको मिला के उसमें आंवला और नींबू डाल के और अदरक डाल के आप उसका एक जूस बना लें और स्क्वीज आउट कर लें कपड़े से, तो एक ग्लास जूस वो पी लें, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी को एक यूज सप्लाई ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेगी और आपकी बॉडी प्यूरिफाई हो जाएगी फ्री रेडिकल से, जो रेडिकल्स आपकी बॉडी में कैंसर कोज करते हैं, डिजीजेस कोज करते हैं, आपको हार्ट प्रॉब्लम देते हैं, आपको लीवर प्रॉब्लम देते हैं। तो क्लिंजिंग आपके सिस्टम की हो जाती है एंटी ऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स वगैरह लेने से। तो सेकंड मेथड ये हो गया। थर्ड जो तरीका है वो मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, वो जो थर्ड तरीका है, हम डिटॉक्स कर सकते हैं अपनी बॉडी को वाटर से। तो मैंने जैसा कि अपने डाइट सिस्टम में भी आप लोगों को बताया था कि वाटर से अपने आप को डिटॉक्स करने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो मैं आपको पहले अपने डाइट प्लान वाले उसमें बता चुकी हूँ, वो है आपको पूरे दिन में 7 से 8 गिलास पानी पीना है, और अगर आप फ्रूट्स वेजिटेबल की इंटेक ज़्यादा ले रहे हैं तो आप 6 गिलास भी पानी पी सकते हैं, क्योंकि आपकी वो कुछ वाटर की इंटेक जो है वो आपके जूसेस और फ्रूट्स और वेजिटेबल से पूरी हो जाती है। दूसरा जो इसके अलावा जो वाटर डिटॉक्सिफिकेशन का एक और तरीका है, उसको बोलते हैं वाटर एनीमा। तो वाटर एनीमा को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं और वो कैसे लिया जाता है, उसका आप मेरी इस नेक्स्ट इस क्लिप में मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि वाटर एनीमा कैसे लिया जाएगा। जो लास्ट जो तरीका है जिसमें हम पानी से अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, वो है एनीमा। एनीमा में बेसिकली हम एनीमा क्यों करते हैं, क्योंकि हम गलत सलत तरीके से अभी तक जो भी हमने खाया पिया है,
तो वो जो खाना है वो हमारी इंटेस्टाइन की वॉल्स के साथ चिपक जाता है, और वो जो वेस्ट है इंटेस्टाइन में चिपक के फूड की जो न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन पावर है उसको कम कर देता है। तो अगर हमें अपनी बॉडी, अपने इंटेस्टाइनल हेल्थ को, गट हेल्थ को दोबारा से ठीक करना है, और अनेक तरह की जो भी बीमारियां हमारे शरीर में पैदा हुई हैं इस गंदगी के जमा रहने से और पड़े रहने से, सालों साल से जो सड़ रही है उस गंदगी को अगर हमें अपनी बॉडी से निकालना है, तो उसका एक जो तरीका है वो है वाटर नीमा। वाटर नीमा हमें बहुत सारे फ़ायदे देता है। नंबर वन, ये बॉडी को डिटॉक्स करता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो वो कॉन्स्टिपेटेड जो इंटेस्टाइन है उसमें रिलीफ दिलाता है। तो वाटर नीमा शुरुआत में करना इसलिए ज़रूरी है कि पहले एक महीना हमें हल्के गुनगुने पानी से सुबह शाम दोनों टाइम वाटर नीमा लेना है, और उसके बाद आपको अगले महीने में आपको सिर्फ रात को डेली अनीमा लेना है, सुबह का छोड़ देना है, और थर्ड मंथ में आपको रात को अल्टरनेट लेना है, और फोर्थ मंथ में रात को सिर्फ 15 दिन में या हफ्ते में ले सकते हैं, और उसके बाद विद इन 4 मंथ्स आपकी बॉडी है पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी और उसके बाद आपको अनीमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी कभी आप कोई जंक खाते हैं या बाहर खाते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर कभी कभार आप वाटर अनीमा ले सकते हैं। तो ये तो था कि वाटर नीमा कब कब लेना है और क्यों लेना है, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी हमने गलत तरीके से अब तक खान पान किया था उसका जो वेस्ट है अभी भी हमारे इंटेस्टाइन के अंदर चिपका हुआ है। और इस अनीमा के साथ साथ हम अब से, जब से हम अनीमा शुरू करेंगे उसके साथ साथ ही हम एक बैलेंस्ड डाइट और हेल्दी डाइट है जो मैं आपको अपने पुराने वीडियो में बता चुकी हूँ, वो डाइट सिस्टम शुरू कर देंगे जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे, बहुत सारा फाइबर होगा और बहुत सारा प्रोटीन कंटेंट होगा, लो कार्ब होगा। तो इस तरह की डाइट मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, अगर वो डाइट आप फॉलो करेंगे तो आगे फर्दर ज़िंदगी में कभी भी आपके सिस्टम के अंदर गंदगी जमा नहीं होगी, इंटेस्टाइन्स आपकी क्लीन रहेंगी। वाटर अनीमा लिया कैसे जाता है? एक ये अनीमा पोर्ट आता है, इस अनीमा पोर्ट को आप लें और इसमें 1 लीटर गुनगुना पानी है आप भर के, और इसको आप हाइट पे रख दें या तो एक कील से टांग दें या आपके पास कोई शेल्फ है जो कि 4 से 5 फीट की हाइट पे है वहाँ पे इसको टांग दें, और आप उसके बाद ज़मीन पे अपने लेफ्ट साइड पे करवट लेके लेट जाएं और पैर को, एक पैर को बैंड कर लें और एक को सीधा रखें, तो इसकी जो इंसर्शन के लिए एक नोब दी होती है तो इस नोब को अच्छे से लुब्रिकेट कर लें कोकोनट ऑयल से, और कोकोनट ऑयल से लुब्रिकेट करने के बाद इसको आप अपने नीचे पॉटी के जो रास्ते में है जिसको रेक्टम भी बोलते हैं वहाँ इंसर्ट करें, और यहाँ इसमें एक नोब दी जाती है वाटर स्विच ऑन करने के लिए, और जब आपका इंसर्ट हो जाए तो आप उस नोब को स्विच ऑन करके पानी को, इनटेक को अंदर लें, और अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर के बाद आप नहीं ले पा रहे हैं तो नोब बंद करके और खड़े हो जाएं, और उसके बाद थोड़ा 1 या 2 मिनट के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने पेट की मसाज करें, उसके बाद सीट पे बैठ के फ्लश आउट कर दीजिए और आपके जो बॉडी में जमा टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। ये जो प्रोसेस है आपको सुबह खाली पेट करनी है, एक बार अपना टॉयलेट जाने के बाद, फ्रेश होने के बाद आपको अनीमा लेना है, और शाम को भी, रात को सोने से पहले जब आपके सारे काम हो जाएं, सोने से पहले भी आपको ये अनीमा जो है वो लेना है। तो उससे क्या होगा कि आपके सुबह शाम अनीमा, वाटर अनीमा लेने से आपके बॉडी में जो सालों से जो गंदगी जमा हो गई है आपकी बड़ी आंत में, वो जो गंदगी है वो धीरे धीरे पानी की वजह से घुल के, गल के बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, और उससे आपकी इंटेस्टाइनल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और अगर आपको सालों से कॉन्स्टिपेशन है, किसी भी तरह की इस तरह की कब्ज़ की समस्या है, तो आपको उससे राहत मिलेगी। और जैसा कि मैंने बताया, अनीमा के फ़ायदे आपके स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपको वेट लॉस में फ़ायदा मिलेगा, आपको कॉन्स्टिपेटेड जो कंडीशन थी आपकी उससे रिलीफ मिलेगा, और आपकी जो स्किन हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी। अगर आपको एक्ने, पिंपल की प्रॉब्लम है तो वो आपकी क्योर हो जाएगी, क्योंकि अब आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है, शरीर में जमा गंदगियाँ निकल रही हैं, और इस तरह से आप अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का मेरा ये जो कंटेंट है वो पसंद आया होगा। तो आप अपनी बॉडी को गंदगी से फ्री रखिए, शरीर को स्वच्छ रखिए, और शरीर को स्वच्छ करने के आज के जो तरीके हैं उन तरीकों को अप्लाई करिए और एक ओवरऑल और गुड हेल्थ की तरफ प्रोसीड करें।
धन्यवाद। अगर आज आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं, ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। खुश रहें, सेहत पर काम करते रहें। फिर मिलते हैं दोबारा एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।